मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों को दो दो करके भेज रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। जब ईसा मसीह भेजते समय उन्हीं लोगों को एक आदेश देते हैं, रास्ते के लिए लाठी के सिवा वो कुछ भी ना ले, ना रोटी, ना झोली, ना भेंटों में पैसा, कुछ भी चीज उनको जरूरत नहीं है। बस प्रभु पर भरोसा रखते हुए उन लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज प्रभु के दिव्य सानिध्य में रहते समय सुसमाचार का प्रचार करने के लिए वही सुसमाचार हमारे समक्ष रखने वाला ईसा मसीह हमसे भी ही चाहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उन्हीं पर भरोसा रखते हुए हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। आज मेरे और आपके जीवन में किसको ज्यादा मात्रा में हम लोग महत्व देते हैं? क्या मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरे झोली या मेरे पेटों में पैसा या धन संपत्ति, मेरे सुख सुविधाएं, इन सब कुछ के बाद इस सबसे का सुसमाचार का मैं अपने जीवन में महत्व देते हैं? अगर ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है या सुसमाचार का प्रचार में महत्व देने वाला व्यक्ति है तो जहां कहीं पर भी है, जैसे भी रहे, वहां पर किसी प्रकार का पीड़ा या दुख या संकट होने के जीवन में नहीं आएगा, बल्कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के भरोसा रखते हुए अत्यंत आनंदमय जीवन बिताएंगे। आज प्रभु के दिव्य सानिध्य में रहते समय मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार के चीजों को हम लोग महत्व देते हैं? ईश्वर का इन वचनों को, उन्हीं का घोषणा करना, उन्हीं का पालन करने को, या अपने जिंदगी में ईश्वर के वचनों को अनुसार एक जिंदगी का एक गवाही के रूप में अपने आप को समर्पित करने को, या मेरे सुख सुविधाओं का, मेरे झोली कपड़े या पेटों में पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति है? आज प्रभु की इन वचनों के सामर्थ्य हमारे समक्ष रहते समय हम सबको ईश्वरी कृपा में विलय होकर के सुसमाचार को अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति बन जाने की कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर सभी प्रकार के आशीषों से आप सबों को परिपूर्ण करें। सबको जय शिव।